नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष। आज बड़ी खबर में हम चर्चा करेंगे एक बार फिर नरेंद्र मोदी पर, जिस तरह से कुल मिलाकर लगातार शिकार पे शिकार, तीर पे तीर, वार पे वार, यानी कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं केंद्र पे है, या तो वो वार कर रहे हैं या उन पे वार हो रहे हैं। संजय जोशी के साथ उनका जो विवाद हुआ वो किसी से छुपा नहीं है, और उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री से भी उनके जो बयानबाजी सामने आई है वो भी कम एक तरह से दिलचस्प नहीं है, क्योंकि एक दूसरे पर दोनों तीर चला रहे हैं। आखिर पूरे देश के राजनेताओं और नरेंद्र मोदी के लिए पूरे देश के राजनेता आखिर क्यों दोनों एक दूसरे के बने हुए हैं आग की किरकिरी? बड़ी खबर में आज हम इसी पे चर्चा करेंगे, और हमारे साथ बने हुए हैं यहाँ पर हमारे न्यूज हेड प्रताप राव हमारे साथ बने हुए हैं। प्रताप जी, हम एक बार फिर नरेंद्र मोदी पर आए हैं। कुछ दिनों पहले हमने चर्चा की थी संजय जोशी को लेकर, लेकिन अगले 2014 के चुनाव तक बार बार नरेंद्र मोदी पे चर्चा करनी पड़ेगी। प्रताप जी, क्या है जो विषय बड़ा है कि नरेंद्र मोदी आखिर लोगों की आंख की किरकिरी क्यों बन गए, या लोगों के लिए नरेंद्र मोदी आंख की किरकिरी बन गए? आशीष, पहली बात तो ये है कि जब भी कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो सबकी नज़रों में आता है, तो या तो आंखों को सुकून देता है या आंखों की किरकिरी बनता है। अब ये व्यक्ति के स्वभाव पे निर्भर करता है कि वो किरकिरी बनना चाहता है या वो किसी को ठंडक देना चाहता है। अब नरेंद्र मोदी की जैसी राजनीति है उसमें उनकी किरकिरी बनने का स्वभाव है। वो जहाँ जाते हैं, गुजरात में, तो गुजरात में वहाँ के भाजपा नेताओं से लेके कांग्रेस के नेताओं से लेके पूरे वहाँ की पॉलिटिक्स में किरकिरी बन के उभरे। नेगेटिव पॉलिटिक्स का उनका एक अपना बड़ी चीज है कि चाहे आप कहें कि वो किरकिरी है, लेकिन कुल मिलाकर जिताऊ और भाजपा के लिए तो कम से कम एक ही चेहरा बचा है। देखो आशीष, ये सब आगे की बातें हैं, लेकिन आज सबसे बड़ी बात ये है कि वो किरकिरी बने हुए हैं, और ये नरेंद्र मोदी की अपनी एक स्टाइल है। मुझे एक दुष्यंत का इसमें शेर याद आ रहा है, दिल को बहला ले इजाज़त है, दिल को बहला ले इजाज़त है, मगर इतना ना उड़, रोज सपने देख, लेकिन इस कदर प्यारे ना देख। नरेंद्र मोदी को 2014 के सपने इस तरह से नहीं देखने चाहिए कि लोगों की आंखों की किरकिरी बनते जाएं और एक दिन पता लगे कि सबने मिलके किरकिरी को निकाल दिया। प्रताप जी, बड़ी बात है कि बिहार को लेकर जो उन्होंने कमेंट किया था, कुल मिलाकर विकास की बात पर एक कमेंट था, क्या लगता है कि नीतीश कुमार उसको गलत ले गए, या नीतीश कुमार सीधे तौर पर आक्रमण करना ही चाहते थे मोदी पे? नहीं, देखिए, नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी की वहाँ के प्रदेश की इकाई की राजकोट में बैठक हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि जातिवाद से बिहार और यूपी त्रस्त हो गए हैं और गुजरात को मैं नहीं होने दूंगा। उनका इशारा कहीं भी नीतीश कुमार और मुलायम सिंह नहीं थे, उनका इशारा जो था केशु भाई थे, क्योंकि केशु भाई उस समय पंचमहल में एक पाटीदारों की यानी कि पटेलों की एक सभा में संबोधित कर रहे थे, और उससे पहले भी उन्होंने एक सभा को संबोधित किया था जिसमें पटेलों को इकट्ठा होने को कहा था। जिस तरह की गुजरात में लड़ाई चल रही है आशीष, वो एक बहुत ऐसे मोड़ में पहुंच गई है जहां पटेल और नरेंद्र मोदी शायद आने वाले समय में आमने सामने होंगे। जिन पटेलों के भरोसे से नरेंद्र मोदी ने चुनावी वैतरणी को पार किया था और वहां चुनावी जीत हासिल की थी, शायद आज वो पटेल, और इस बात का लाभ उठाने के लिए केशव भाई ने पूरी कोशिश की। निशाना केशु भाई थे, लेकिन वो तीर बिहार की ओर उड़ गया, बिहार की तरफ, क्योंकि नीतीश कुमार से तो उनकी पुरानी, देखिए जब चुनाव थे तभी भी ये बात आई, नीतीश कुमार ने लपक लिया। वो नीतीश कुमार को भी बहुत शौक है प्रधानमंत्री बनने का, तो उन्होंने उड़ता हुआ तीर दपक लिया, वो तीर केशु भाई की ओर जाना था, उन्होंने लपक किया। मैं उसी चर्चा पे आ रहा था कि बात बीजेपी की करें तो नरेंद्र मोदी है, लेकिन पूरे एनडीए की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी, क्योंकि अगर आप दो चुनाव जीतते हैं तो उन्होंने भी दो चुनाव जीते हैं। विकास की जो बात करते हैं, बिहार की, गुजरात की तस्वीर बहुत ज्यादा बदली है, तो बिहार की भी कुछ कम नहीं बदली, तो एक एनडीए के रूप, एनडीए में तो एक स्वाभाविक उम्मीदवार हो ही सकते हैं नीतीश भी। उम्मीदवार तो आशीष तुम भी हो सकते हो, उम्मीद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन धरातल पे क्या है, आज नरेंद्र मोदी अगर किसी बात पर दावा करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा मास बेस सपोर्ट है उसके आधार पे तैयारी होती है। आज जेडीयू एक बिहार तक सिमटा हुआ एक ऐसा दल बन गया है जो रीजनल पार्टी से ज्यादा उसकी औकात नहीं है, तो ऐसे में नीतीश कुमार, लेकिन नीतीश कुमार मन ही मन चलते हैं, नीतीश कुमार में योग्यता तमाम है, निश्चित तौर पर है, उनको साथ लेने की क्षमताएं भी हैं, लेकिन उनकी आंख की यदि नरेंद्र मोदी किरकिरी बन जाते हैं और उन्हें दुख नहीं लगती है, तो फिर ये शक होने लगता है कि नीतीश कुमार
आपको ये किरकिरी क्यों लग रही है? नीतीश कुमार को डर है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी आगे बढ़े प्रताप जी, आज तो की आखिर आखिर ये जो पूरी चर्चा है, इस पूरी चर्चा को लेकर आखिर गुजरात में क्या है, अहमदाबाद में क्या है, हमारे साथ जो इस पूरी चर्चा में, अब हमारे साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता अहमदाबाद से चंद्रकांत, हमारे साथ जुड़ गए। चंद्रकांत जी, जो पूरा माहौल है, कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी बार बार लोगों की आंख की किरकिरी बनते जा रहे हैं, सीधी एक बात कहें तो क्या लगता है वहां पर, क्या आम चर्चा क्या है जब जब नरेंद्र मोदी पे निशाना आता है? मैं आपको बता दूं कि जो गुजरात के अंदर संजय जोशी और नरेंद्र मोदी का जो विवाद है वो मोटे तौर पे देखा जाए तो एक पर्सनल विवाद के तौर पे लिया जा रहा है। यहाँ पर जो संजय जोशी के समर्थक हैं और नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं, तो माना जाएगा जो गुजरात स्टेट है पूरा लीड कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। संजय जोशी कभी ना कभी गुजरात में रह चुके हैं, संघ संचालक रह चुके हैं, यहाँ पर उन्होंने प्रचार भी बहुत किया है। उनसे लेकर जो कार्यकर्ताओं का जुड़ाव है उसमें कहीं ना कहीं बेरुखी देखने को मिल रही, निराशा देखने को मिल रही, और एक बात आमतौर पर देखने को मिल रही है कि नरेंद्र मोदी जो है वो पार्टी से बड़े होते जा रहे हैं। पार्टी से एक आदमी बड़ा होना बहुत मुश्किल चीज है, जब पार्टी के हाईकमान पे भी वो हावी होते हैं तब इस प्रकार की सिचुएशन खड़ी होती है, वो देखने को मिल रहा है। चंद्रकांत जी, एक बड़ी बात ये है कि केवल संजय जोशी ने वहाँ, केशु भाई पटेल, काशीराम राणा, सुरेश मेहता और सबके सब ये लोग आज संजय मोदी, ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े दिखाई देते हैं। चंद्रकांत, क्या कारण है? मैं आपको बता दूं, गुजरात में 2001 में जो भूकंप आया उसके बाद गुजरात के मुख्य प्रधान नरेंद्र मोदी को उनको पद पर बिठाया गया। उसके बाद देखा जाए तो एक जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको देखा जाए तो नरेंद्र मोदी ने जो पॉलिटिकल लीडरशिप है गुजरात की बीजेपी को उन्होंने हाईजेक कर दिया, और उनसे जो कदावर नेता था उनको कद कम कर दिया। जैसे हरेन पंड्या का बात है, हरेन पंड्या को उन्होंने एक गृह मंत्री के तौर पर टिकट नहीं दी। गोर्धन झड़फिया जो है उनको भी उन्होंने निकाला गया। केशुभाई पटेल को भी, एक पटेल लॉबी के बहुत प्रभावी नेता है, उनको भी काट दिया गया। तो माना यह जा रहा है कि नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं डर रहे हैं कि जो जो नेता है गुजरात के, जो पॉलिटिकल लीडर है, जो जातीय समीकरण के आधार पर जो नेता उन्हें टोपेल नहीं कर दे, उनका कहीं कद छोटा ना कर दे, और उनको जो नेशनल लेवल पे एक उनको एक अमरा आइकॉन बनाकर जाना, वहां पर ये लोग रुकावट बन सकते हैं, ऐसे था। इसलिए उन्होंने देखा जाए तो गुजरात में आने के बाद सबसे पहला जो काम किया वो है कि जो उनसे बड़े होने वाले नेता थे उनको उन्होंने कम कर दिया। और एक चंद्रकांत, एक गुजरात की राजनीति में कहा जाता है कि वहां पटेल और राजपूत, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे तबके हैं जिनके चलते वहां सत्ता आती जाती है। राजपूत शंकर सिंह वघेला के साथ हैं ऐसा वहां कहते हैं, और पटेल भी इस समय केशु भाई के साथ हो गए, तो उसके बावजूद क्या नरेंद्र मोदी वहां मजबूत बने हुए हैं? नहीं, मैं आपको बता दूं, गुजरात में जो नरेंद्र मोदी ने जो आप बात कर रहे हैं, पटेल लॉबी जो है, जो राजपूत लॉबी है, दोनों लॉबी तब एक्टिव होती है जब इलेक्शन आता है, उस समय पर ये दोनों लॉबी एक्टिव होती है। और माना जा रहा है जो 25% जो वोटिंग है पटेल लॉबी से आता है, 28% है ओबीसी है। तो माना यह जा रहा है कि जहां तक नरेंद्र मोदी के हाथ में विकास की सत्ता है वहां तक इस प्रकार की लॉबिंग कहीं पर रहती नहीं है। यानी कि अभी भी मोदी के साथ ही जुड़ाव है, जब चुनाव आएंगे तो ये पटेल हो चाहे राजपूत हो, सब मोदी के पीछे खड़े दिखाई देंगे। मैं आपको, पटेल हो या देखा जाए तो पटेल अभी तक केशुभाई पटेल के साथ पटेल लॉबी होने की अभी जो दावा किया जा रहा है, पाटीदार सम्मेलन किया जा रहा है, गोर्धन झड़फिया उनके साथ एमजीपी से जुड़े हुए, लेकिन जो एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन का जो प्रोसेस है गुजरात में इलेक्शन आने के साथ एक फास्ट हुआ है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन जब हो रहा है तब अलग अलग जाति अपने शक्ति प्रदर्शन करती है, और शक्ति प्रदर्शन के आधार पर दिखाना चाहती है अगर आप हमको नेग्लेक्ट करोगे तो हम इलेक्शन में आपको वोट नहीं देंगे, लेकिन जब इलेक्शन डिक्लेयर होता है और एक पॉलिटिकल पार्टी जब मैंडेट में आती है तब ये सब ओझल होता दिखता है जी। अच्छा चंद्रकांत, एक और बड़ी बात है कि ऐसे क्या खासियत है नरेंद्र मोदी में कि वो नेताओं की आंख की तो किरकिरी बने रहते हैं लेकिन गुजरात की जनता उन्हें आंख का तारा मान के बैठे रहती है? मैं आपको 2001 से अगर देखे, 2001 से 2012 का जो शतक देखा जाए, एक दशके को देखा जाए तो जो विकास की राजनीति नरेंद्र मोदी ने एक थोड़ी खड़ी की है गुजरात में, हर क्षेत्र में विकास की एक जो उन्होंने पहल की है, सूर्य ऊर्जा का उन्होंने जो शुरुआत की है, तो देखा जाए तो विकास की राजनीति सबसे ज्यादा फ्री हुई और लोगों को लग रहा है कहीं ना कहीं विकास हुआ है, रोजगार मिला है और लोगों का एक बेटर माना जाए जो जीवन धोरण यहाँ पर मिल पाया है, इसके देखते लोगों के लिए ये जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन का प्रोसेस है उसका कोई असर कहीं। चंद्रकांत, एक बड़ी बात है कि अगले चुनाव में क्या होगा, क्या नरेंद्र मोदी वापस उसी तरह से उभरेंगे जैसे पहले उभरे? मैं आपको बता दूं, कल ही गांधीनगर जो गुजरात का एक पाटनगर माना जाता है उसमें एक बीजेपी की अधिकृत तरीके से नहीं माना जाएगा, एक सर्वे हाथ किया गया था उसमें एक माना नहीं जा रहा था कि बीजेपी को सिर्फ 48
सीट जो है वहाँ पर वो मजबूत है, बाकी की सीट पर उनको मेहनत करनी है। लेकिन ये जो एक जो गणित है कि कुछ बीजेपी में गए पिछले चुनाव के मुकाबले देखा जाए बीजेपी को 114-19 सीट मिली थी, तो इस बार भी 100 के आसपास सीट मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। यानी कि कुल मिलाकर जोड़ तोड़ करके इस बार भी बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में ऐसा लग रहा है अभी आ सकती है। मैं आपको बताऊँ यहाँ पर जो बीजेपी के सामने जो कांग्रेस है वो इतना मजबूत नहीं है कि कोई लीडर उनका इतना मजबूत नहीं है जो लोगों के सामने जा पाए और गुजरात के मुख्यप्रधान नरेंद्र मोदी की जो निष्फलता है उसको सामने ला पाए। उसके चलते देखा जाए तो बीजेपी के लिए अभी कोई खास खतरा देखने को नहीं मिल रहा है। जी धन्यवाद चंद्रकांत। प्रताप जी देखा आपने जो चंद्रकांत अभी बता रहे थे, कुल मिलाकर चंद्रकांत से जो हमारी बात हुई कि कहीं ना कहीं वहां पर भी गुट बने हुए हैं, वहां पर भी नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया जा रहा है, लेकिन लेकिन उन्होंने कहा कि अंत जो होगा वो अंत कुछ और हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि किरकिरी गुजरात में तारा है, गुजरात में सितारा है, गुजरात में वो किरकिरी नहीं है। गुजरात की जनता बार बार चुन रही है, गुजरात की जनता कह रही है कि नहीं नरेंद्र मोदी का ही शासन चाहिए, यानी कि नरेंद्र मोदी की स्टाइल कुछ भी हो लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपनी स्टाइल से जिस तरह से अपने विरोधियों को खत्म किया है, पार्टी के अंदर किया, पार्टी के बाहर किया, अब गुजरात में नरेंद्र मोदी रहेंगे, ये जो स्थिति है ये नीतीश कुमार की नहीं है आशीष। ये बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे लगता है कि इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल यहां पर आगे बढ़ने से पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है बड़ी खबर में। हमारे साथ है प्रताप जी, हमारे साथ बने हुए हैं। प्रताप जी जो एक बात आपने अभी जब ब्रेक पे गए थे उससे पहले कही थी कि यह आक्रमण कहीं इसलिए तो नहीं है कि शायद मोदी आज इतने ताकतवर है, इतने पावरफुल है और इतने कॉन्फिडेंट है कि अगर गुजरात में चुनाव होते हैं तो वो कॉन्फिडेंट है कि हम वापस आएंगे, लेकिन और कोई इतना कॉन्फिडेंट नजर नहीं आता। आशीष मुझे तो शक है कि वो कॉन्फिडेंट है या ओवर कॉन्फिडेंट है। मुझे तो लगता है कि अंधविश्वास या अति आत्मविश्वास से उलझे हुए हैं। जिसके घर में इतनी ज़्यादा उलझने हो वो आखिर में कैसा आत्मविश्वास, किस कारण से आत्मविश्वास है ये समझ में नहीं आता। जो अपने घर को नहीं संभाल सकता, जो अपने घर के लोगों को साथ नहीं ले सकता, वो आखिर में कैसे लोगों का दिल जीतने की, देश भर के लोगों का दिल जीतने की सोच सकता है। एक फिर दुष्यंत कुमार का एक शेर याद आता है, आज सड़कों पर लिखे हैं सैकड़ों नारे ना देख, घर अंधेरा देख तू आकाश के तारे ना देख। नरेंद्र मोदी केवल तारे देखे जा रहे हैं, उनको कुर्सी दिखाई दे रही है प्रधानमंत्री की, वो देख नहीं रहे कि उनके नीचे किस तरह से प्रताप जी जमीन बड़ी किसकी जा रही है। कि गुजरात में अब जो ये लड़ाई हो रही है ये कहीं ना कहीं इसलिए सेकंड लीडरशिप की लड़ाई हो कि नरेंद्र मोदी अगर केंद्र में जाते हैं तो जो लड़कर उभरेगा वो सेकंड लीडर होगा, नरेंद्र मोदी केंद्र में जाते हैं तो गुजरात किसके हवाले रहेगा। आशीष नरेंद्र मोदी के साथ जो काम करते हैं या नरेंद्र मोदी को जो जानते हैं, क्योंकि मैं भी 1990 से उनको जानता हूँ, उनके चाल में ही जो एक प्रकार से अति विश्वास झलकता है, तो उसको देखने के बाद कोई भी उनके बाद 1 से 10 नंबर तक तो कोई होगा ही नहीं। तो ये जो भी लड़ाई होगी बाय चांस तो वो 11वें 12वें 15वें नंबर की होगी, तो इसलिए 10 तक दस तक तो कोई नहीं है। प्रताप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं नवीन जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। नवीन जी आपसे कुल मिलाकर एक बड़ा सवाल इस समय खड़ा हुआ है कि नरेंद्र मोदी जो है कहीं ना कहीं जितने भी राजनेता हैं उनकी आंख की किरकिरी धीरे धीरे बनते जा रहे हैं, चाहे संजय जोशी हो, सुशील मोदी हो, नीतीश कुमार हो, मनीष तिवाड़ी हो, शरद यादव हो, मुलायम सिंह हो, सब के निशाने पर कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी आ गए। उसका काशिश कारण ये लगता है कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी का कद बढ़ रहा है और नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजनीति में जब आना चाहेंगे तो निश्चित तौर पर उनको जो अपने सहयोगी दल है या दूसरे राजनीतिक दल है जो राष्ट्रीय राजनीति में पहले से सक्रिय है उनका प्रहार तो झेलना ही पड़ेगा। और नरेंद्र मोदी पहले हार्डकोर लीडर माने जाते थे इसलिए एक्सेप्ट नहीं होते थे। नवीन जी बड़ी नवीन जी प्रकार की स्ट्रेटजी है। नवीन जी इसमें बड़ी एक बात यह आ रही है कि नरेंद्र मोदी ने जो कल परसों जो तीर चलाया था वो केशुभाई पे चलाया था जातिवाद का, और वो कहीं ना कहीं उड़ता हुआ गलत बिहार और यूपी में जाके गिर गया, ऐसा क्यों हुआ?
जहां तक लगता है कि नरेंद्र मोदी केवल केशुभाई का उनको गुजरात में बहुत अधिक खतरा नजर नहीं आता, उसका कारण ये है कि केशुभाई बहुत समय से सक्रिय राजनीति में नहीं है गुजरात के।